नई रेल, कहां तक नई रेल चाहिए, कहां तक की रेल चाहिए, बोला लो कहां तक रेल चाहिए, रेल बिहार तक, बिहार तक, सीतामढ़ी तक, भिंड मुरैना ग्वालियर भी, वाह दिए हो, सी आर पाटिल जी को दे दिए थे ना, सी आर पाटिल भाई ने क्या कहा, रजवाद करेंगे रेल मंत्री जी से, उन्होंने कह दिया ना करेंगे, उन्होंने कह दिया तो करवाना मेरा काम। देखो मैं रेलवे कमेटी का सदस्य हूं दिनेश बाबू जी, भैया पता है, अगर सी आर पाटिल जी ने कह दिया कि कोशिश करेंगे तो समझ लो कि अब ये जितना मिनिमम समय में हो सकता है हम गाना भी गाते और बाजा भी बजाते हैं। ताली मार दे पर बढ़िया से ठोको, आप ही लोगों के बल पे बोल रहे हम लोग, अच्छा तो ये देखो यहाँ पे तो सभी लोग हैं ही, ये सारी बातें आपने सीआर पाटिल भाई के सामने रखी, वो एक ऐसा व्यक्ति है जो हॉट लाइन पे रहता है दिल्ली से, ठीक है, और वो जो कह दिया ना उसको कोई दूसरा टाल नहीं पाएगा। बाइक दिया है किसके लिए, कार्यक्रम के लिए बाइक दिया, मैं समझा नहीं सर, आज कार्यक्रम के टाइम से पहले आ गए थे तो सर ने बोला हमें रजवात की थी, तो सर ने बोला है कि दो सब ट्रेन के रजवात के लिए सर ने बोला है पब्लिक की आप बता देना कि आपने रजवात की है, और मैंने वो रजवात सुन के ऊपर भी दी है, स्पीच दी है, अच्छा दिया है, चलो करवाओ एक बार जरा अच्छा सुन लिया जाए ना क्या बोले है, काम का बात कर लिया जाए, बाकी तो गनवा होते नहीं, एक बार आपको थोड़ा खाली कर। और इसी बहाने तो तजेंद्र आप ही लोग खड़े थे ना, हाँ। इसी ड्रेस में खड़े थे, मतलब लगातार वीडियो अभी हाल ही की बना, पांच अच्छा लगा भैया, अब मैं अपनी बाड़ी को देना चाहता हूँ विराम, नहीं अच्छा, अरे 6 बजे से बैठल बनी जा, अच्छा क्या बोले, एक मेरा गाना है काली चार है ना, देखो प्यार मोहब्बत बहुत संभाल के कर लो तुम, हमारे जीवन के वो अनुभव बाटे, अरे ऊपर वाली के चक्कर में लड़का खूब पिटाइल बा, लड़की के हो पहला प्रेमी निरहुआ बन के आइल बा, ऊपर वाली के चक्कर में लड़का खूब पिटाइल बा, ऊपर वाली के चक्कर में लड़का खूब पिटाइल बा, लड़की के हो पहला प्रेमी पुलिस लेके आइल बा, लड़का रोवत बन के जाके बाजार में झुके हो पास नहीं तेरी के प्यार में, काहे के कहली आई लाली मवनिया तेरी से खानिया बहुरी बजरिया, काहे के कहली आई लाली मवनिया बाबू माई जवन कहे नहीं सेठी कहलवा, हम जो जो गाना गाते हैं ना तो उसमें एक एक लाइन ऐसा रखते हैं कि उसमें कुछ सीखा जा सके, बिल्कुल भैया हम लोगों ने सीखा है आपके हर गाने से, हम लोगों ने सीखा है, नहीं 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 अरे बाप रे बाप, अभी भैया ने एक बात कही कि आप लोग भगवान हैं, और सच में हर गायक के लिए दर्शक श्रोता ही भगवान होते हैं, आप लोग भगवान हैं, लेकिन उसके बाद हम गायकों के लिए जो भगवान है वो साक्षात हमारे सामने खड़े हैं, मनोज तिवारी भैया, मैं ये बात इसलिए कहता हूँ मनोज तिवारी भैया ही वो गायक थे जिन्होंने एक राह दिखाई अभिनेता बनने की, और आज भैया के दिखाए हुए रास्ते पे ही निरहुआ पवन सिंह
खेसारी लाल, रितेश, प्रवेश, कल्लू और कितने सारे हमारे भाई लगातार हीरो बने, तो ये सभी गायकों के लिए तो आप साक्षात भगवान है भैया, और ये कहने की बात नहीं है, सच्चाई है। देखो अब आपको समझ में आ गया ना कि निरहुआ कैसे सुपरस्टार बन गया। मैं वो घटना बताऊं भैया, क्या हुआ कि फिल्म आई थी निरहुआ रिक्शा वाला और खूब चल रही थी, तो भैया को किसी ने कहा कि वो फिल्म बड़ी चला था, तो भैया बोले कि कौन है उसमें, रवि किशन भैया, तो बोला नहीं, बोले अरे उसमें मनोज तिवारी भी नहीं है, रवि किशन भी नहीं है, तो चल क्यों रही है, उसमें है कौन। वो आदमी बोला भैया आप ही का जो चेला है निरहुआ। तो देखो एक बात आप लोग सब सीख सके लीजा, इतना बड़ा कलाकार हो के